नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल में। दोस्तों दिन भर क्या रहा स्पेस और डिफेंस के गलियारे, फिर चलिए एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो वो लद्दाख को लेकर आ रही है। दरअसल लद्दाख में चीन के सैनिकों की इतनी बुरी तरह से हालत खराब हो रही है कि अब ठंड की वजह से ड्रैगन के सैनिकों की मौत होना शुरू हो चुका है। दोस्तों पूर्वी लद्दाख में भीषण ठंड की अभी सिर्फ शुरुआत ही हुई है और चीनी सेना को लग रहे हैं बड़े बड़े झटके। दरअसल पैंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर चीनी सेना पीएलए को जनहानि का नुकसान उठाना पड़ा है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस इलाके में रात में अभी से ही ठंड जमा देने वाली होती जा रही है। चीनी सैनिक ठंड को नहीं झेल पाते हैं और उनके हताहतों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पैंगोंग झील से सटे 15,000 से 16,000 फुट की चोटियों पर 5,000 चीनी सैनिक मौजूद हैं। इससे पहले ये दावा किया गया था कि उससे ठंड से निपटने के लिए अत्याधुनिक बैरक भी बना ली हैं। चीन की मीडिया ने ये दावा किया था कि पीपल लिबरेशन आर्मी ने पहले ही अपने लद्दाख से सटे तिब्बत के नागरी इलाके में भारी तोपें भी तैनात की हैं। अब चीन को ये पता चल गया है कि चाहे वो कितने भी अत्याधुनिक साजो सामान का इस्तेमाल क्यों ना कर ले, लेकिन उनके सैनिकों का जो शरीर है वो ठंड सहने लायक नहीं है। ऐसे में एक खबर चीन को हिला देने वाली है और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय सैनिक इस तरीके के मौसम से पहले से ही वाकिफ हैं और भारत ने अपनी तैयारियां पूरी कर रखी हैं। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं तो टेम्पेस्ट 6 जनरेशन लड़ाकू प्रोग्राम को लेकर आ रही है। दोस्तों आपको बता दें कि ब्रिटिश डिफेंस जॉइंट कंपनी जो है बीएई सिस्टम, वो भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और इंडियन एयरफोर्स से अपने इस छठी पीढ़ी के लड़ाकू प्रोग्राम में सहयोग करने की बात कह रही है। एरो इंडिया 2019 में ब्रिटेन ने अपने टेम्पेस्ट के छठे जनरेशन फाइटर प्रोग्राम को एक अंतरराष्ट्रीय भागीदारी के तौर पर आगे बढ़ाने की योजना बनाई। इस प्रोग्राम को भारत में लाने के लिए कई तरीके के कमर्शियल और फाइनेंशियल प्रेजेंटेशन भी उन्होंने भारत के साथ की। यूके और स्वीडन इस वक्त एकमात्र भागीदार हैं जो कि इस 6 जनरेशन फाइटर प्रोग्राम जो टेम्पेस्ट है उसे विकसित करने के लिए काम कर रहे हैं। वहीं इनके उलट फ्रांस और जर्मनी अपना खुद का FCAS यानी कि फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम पर काम कर रहे हैं जो कि छठी पीढ़ी के लड़ाकू प्रोग्राम का ही उनका हिस्सा है। ऐसे में ब्रिटेन भारत को अपने बोर्ड में शामिल करने के लिए उत्सुक है। आपको बता दें कि यूके को इस प्रोग्राम के लिए एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय साझेदार की आवश्यकता है और वो इस जेट को जल्द से जल्द लॉन्च करके 2035 में इसका उत्पादन करने के लिए भी तैयार है। हालांकि कितने परसेंट पर बातचीत तय होती है कि भारत को कितना इन्वेस्ट करना होगा इस प्रोजेक्ट के लिए, क्या ये भारत के लिए अच्छा साबित होगा, ये भी एक ध्यान देने वाली बात है। दूसरा, भारत अपने प्रोग्राम पर काम कर रहा है जो कि AMC है। इसके अलावा भारत अपने 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट पर छठी पीढ़ी के आधुनिक सिस्टम्स को भी लगाने की योजना बना रहा है। ऐसे में मुझे तो लगता है कि भारत को अपने ही प्रोग्राम पर फोकस करना चाहिए रादर देन इन लोगों को पैसा देने के लिए। बकायदा आपको मैं बताना चाहूंगा कि इनका इतिहास ही ऐसा रहा है ब्रिटेन का, इन्होंने सिर्फ भारत को लूटा, अब ये किसी और तरीके से भारत को लूटने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे में बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं कि भाई आपने इन्वेस्टमेंट भी कर ली के अलावा भाई इस जेट का इस्तेमाल करना, इसके अलावा किन देशों के खिलाफ करना है कि, तो ये सारी चीजें यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत होती है। तो ऐसे में बेहद जरूरी हो जाता है कि भारत को अपने ही प्रोग्राम को ही डेवलप करना चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लेकर बताएं। अगली खबर की बात करते हैं तो वो जोजिला सुरंग को लेकर आ रही है। चीन की सीमा तक हर मौसम में और पूरे साल पहुंचे जाने के लिए सामरिक महत्व की जोजिला टनल का काम शुरू हो चुका है। लद्दाख के कारगिल जिले में आज पहाड़ में ब्लास्ट के साथ जोजिला टनल का काम शुरू हो गया। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहे। इस टनल को बनाने के लिए केंद्र सरकार ने करीबन 6,809 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। कारगिल जिले के द्रास और सोनमर्ग के बीच प्रस्तावित जोजिला टनल के निर्माण के लिए दोपहर 12 बजे इस ब्लास्ट को किया गया। करीबन 11,578 फीट की ऊंचाई पर बनने वाली ये टनल बेहद आधुनिक होगी। इस टनल की लंबाई करीबन 14.15 किलोमीटर होगी। कारगिल में बनने वाली जोजिला टनल हर लिहाज में दुनिया की सबसे आधुनिक सुरंगों में से एक होगी। अटल टनल की तरह ही जोजिला सुरंग बनाने का सपना पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ही देखा था। आपको बता दें कि कारगिल से जोजिला दर्रे को दुनिया का सबसे खतरनाक दर्रा माना जाता है। टनल के बनने से एक तो इसे पार करने का जोखिम कम होगा और जिस दूरी को तय करने में 3 घंटे लगते थे वो महज 15 मिनट में पूरी हो जाएगी। जोजिला सुरंग श्रीनगर, कारगिल और लेह को आपस में जोड़ने में मददगार भी होगी। सुरंग से सेना न सिर्फ चीनी सीमा पर बल्कि पाकिस्तान की सीमा पर भी जवानों को तैनात कर सकती है। अगली खबर की बात करते हैं तो राफेल जेट्स को लेकर आ रही है। दरअसल भारत अब अधिक राफेल जेट्स को शामिल करने की तैयारी कर रहा है। भारतीय वायुसेना ने अपने अधिकारियों की एक टीम को फ्रांस भेजा है जो कि वहां पर लॉजिस्टिक मुद्दों की देखरेख करेंगे, साथ ही सेंट डिजायर एयरबेस में पायलटों के प्रशिक्षण की भी समीक्षा करेंगे। 4 राफेल जेट के दूसरे बैच को अगले हफ्ते तक भारत में आने की उम्मीद है। इन अधिकारियों ने कहा कि भारतीय वायुसेना की कई टीमों ने जनवरी से फ्रांस का दौरा किया है। इंडियन एयरफोर्स की राफेल परियोजना प्रबंधन टीम का पेरिस में एक कार्यालय भी है जिसका नेतृत्व एक ग्रुप कैप्टन अधिकारी करता है। आपको बता दें कि ये सभी 36 राफेल विमान 2023 तक भारत पहुंच जाएंगे।
अगली खबर की बात करते हैं तो नेपाल के बदले हुए सुरों को लेकर आ रही है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने कैबिनेट के सबसे भरोसेमंद सहयोगी और सरकार में उप प्रधानमंत्री रहे ईश्वर पोखरेल को रक्षा मंत्री पद से हटा दिया है। भारत के थल सेना अध्यक्ष जनरल MM नरवणे के नेपाल दौरे की घोषणा होने के कुछ घंटों पहले ही प्रधानमंत्री ओली ने उप प्रधानमंत्री पोखरेल को रक्षा मंत्रालय पद से छुट्टी दे दी है। भारत से सीमा विवाद के बीच रक्षा मंत्री रहते हुए ईश्वर पोखरेल ने नेपाली सेना प्रमुख को जबरन काला पानी भेजा था, जबकि नेपाली सेना ने स्पष्ट माना था कि भारत के साथ कूटनीतिक या राजनीतिक विवाद से सेना को ना घसीटा जाए। दोस्तों अब अगली खबर की बात करते हैं तो वो चीन को लेकर आ रही है और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपने घबराए हुए फौजियों को जोश देने का काम कर रहे हैं। पूरे विश्व में चीन अलग थलग पड़ चुका है, उसके पास अब कोई मौका नहीं है कि वो अपनी छवि को सुधार सके। ऐसे में वो सिर्फ अपना आक्रामक रूप दिखा रहा है। कहते हैं ना कि रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। वो LAC पर भारत से उलझ रहा है तो वहीं ताइवान को भी दबाने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा अमेरिका से भी उसने पंगे ले रखे और इस तरीके से उसके जो सैनिक हैं वो फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, लेकिन उनमें जोश भरने के लिए अब चीन कोशिश कर रहा है ताकि वो जंग के लिए तैयार हो सके। चीन के फौजी कुछ ही महीने पहले गलवान घाटी में भारत के शूरवीरों का दम देख चुके हैं। सूत्रों का कहना है कि गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद चीनी फौजियों की हवा खराब है, लेकिन चीन का हुक्म है कि अपने घबराए फौजियों में जोश भरकर उन्हें फिर से मौत के मुंह में भेजना। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक शी जिनपिंग ने अपने मरीन सैनिकों से कहा है कि एक साथ कई मोर्चों पर तैयार रहें और तुरंत प्रतिक्रिया दें। सभी मौसम और इलाके में जंग लड़ने के लिए तैयार रहें। अपने सैनिकों पर दोबारा से ऊर्जा भरने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उनके सैनिकों को आदत नहीं है युद्ध में जाने की, ना वो लड़े हैं कोई लड़ाई ढंग से, तो ऐसे में अब उनको सिर्फ मानसिक रूप से मजबूत बनाने की कोशिश की जा रही है। अगली खबर की बात करते हैं तो भारत और म्यांमार को लेकर आ रही है। सेना के प्रमुख जनरल MM नरवणे और विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला की हालिया म्यांमार यात्रा के बाद कई सैन्य हार्डवेयर स्थानांतरित किए जा रहे हैं। इस महीने के शुरू में हुई यात्रा के दौरान भारत ने आर्टिलरी टैंक्स, बुलेट प्रूफ जैकेटों और अन्य तरीके के उपकरणों की आपूर्ति के लिए सहमति जताई थी। भारत पहले से ही अपनी कन्वेंशनल पनडुब्बी को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया में था। आपको बता दें कि राज्य के स्वामित्व वाली हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा म्यांमार को इस पनडुब्बी को रिफर्बिश करके यानी कि नवीनीकृत करके दिया गया है। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न है आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों आप मुझे ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।